हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट टीचर के एक नई वीडियो में, जिसमें बेसिकली बात करने वाले हैं द कोर्स LLB यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इसको इस वीडियो में हम जानेंगे कि LLB कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और कुछ कोर्सेज़ के बारे में जिसे आप LLB के बाद परस्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो LLB के क्षेत्र में जाने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल सभी स्टूडेंट अपने करियर को लेकर बेहद कंफ्यूज यानी चिंता में रहते हैं। आज हर कोई फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किसी न किसी फील्ड में यानी किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना बहुत आसान नहीं है। आज हर स्टूडेंट किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट LLB के सेक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और लॉ के इस बेहतर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके चलते हर साल कई सारे स्टूडेंट LLB की पढ़ाई शुरू करते हैं और बहुत से स्टूडेंट अपनी मेहनत और सही मार्गदर्शन के कारण एक अच्छा वकील बन पाते हैं। तो आप LLB के इस बेहतर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, बस आपको सही मार्गदर्शन और मेहनत करने की ज़रूरत है। एडवोकेट बनने और इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको इसकी पूरी तरीके से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, यानी पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो LLB कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वकील बनने पर हमें समाज से सम्मान भी मिलता है और हम किसी निर्देश के पक्ष में लड़कर उसे भी बचा सकते हैं। तो जनरली इस कोर्स का करिकुलम कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको इस कोर्स में आपको पर्टिकुलर लॉ यानी इंडियन लॉ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। इंडियन लॉज के बारे में, जैसे लीगल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ, लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, ऐसे बहुत सारे जो लॉज रहते हैं जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो कॉमनली अगर आप एक अच्छा खासा लॉयर और एक अच्छा खासा वकील बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो चलिए बेसिकली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी LLB कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो स्टूडेंट, जनरली आप इसे 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं, पर आपको इस कोर्स के लिए 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर स्ट्रीम से पास आउट होकर इस LLB कोर्स के लिए एलिजिबल हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मैटर नहीं करता आप कौन से स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल ज़रूर हो सकते हो। तो जनरली आप इसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी परस्यू कर सकते हो। फिर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी, जिसे पास करके आप एक अच्छे खासे कॉलेज और एक अच्छे लॉ के कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, जिसे पास आउट करके आप LLB कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरली आप अपनी जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट है, जिसे पास आउट करके आप LLB कोर्स के लिए एलिजिबल यानी इसे पास आउट करके आप LLB कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो कॉमनली जो ऑल ओवर इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, उसका नाम है CLAT यानी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाने वाली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे पास आउट करके आप यानी लॉ के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि CLAT की एग्ज़ाम यानी CLAT की जो एग्ज़ाम है ये टोटली 200 मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स की होती है और 200 क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। तो जनरली इसमें 200 क्वेश्चन के साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो आने वाले क्वेश्चन है वो जनरली इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है जिसे पास आउट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरली आप LSAT यानी लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, इसे भी पास आउट कर सकते हैं, यानी इसे भी पास आउट करके एडमिशन ले सकते हैं। AILET है,
लॉ CET है, यानी लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऐसी जो बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास आउट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। बस कॉमन एक एंट्रेंस एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया में ली जाती है, वो है क्लैट की, जिसे आप अच्छे खासे नंबर से पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। तो जनरली जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है इस कोर्स में, तो वो बेसिकली बहुत कंफ्यूज होता है कि ये कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। तो जनरली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे 12th के बाद करते हैं, यानी आप 12th पास आउट होने के बाद इस कोर्स को करते हैं, तो बेसिकली इस कोर्स की टाइम ड्यूरेशन होती है 5 साल की। और आप अगर इसे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो जनरली इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 3 साल की। बस आपको दोनों में कॉमन एक बात है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस आता है, बाकी सेम रहता है। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ स्कोप्स के बारे में जिसे आप LLB के बाद परस्यू कर सकते हैं, यानी LLB के बाद वो पर्टिकुलर कोर्स कर सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट एक LLM कर सकता है, यानी LLM कर सकता है, MPhil इन लॉ कर सकता है, MBA कर सकता है, PhD इन लॉ कर सकता है। ये सब जो कोर्स है, ये वो पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर चाहता है कि इसी फील्ड में, यानी लॉ के इस सेक्शनल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर ये लॉ के कोर्स लेकर आगे पढ़ सकता है, जैसे LLM, MPhil इन लॉ, MBA और PhD। तो जनरली मैं बता दूं कि अगर आप LLB करते हैं, तो LLB में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यानी लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आप LLM करना चाहते हैं LLB के बाद, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर भी LLM कर सकते हैं। जनरली जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव LLM इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, LLM इन इन्वायरमेंटल लॉ, LLM इन बैंकिंग लॉ, LLM इन लॉ ऑफ टैक्सेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर्स, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मेथड, फैमिली लॉ, ऐसे कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स को लेकर आप पर्टिकुलर LLM कर सकते हैं, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बहुत सारे ऐसे जो कोर्स हैं जो LLB के बाद परस्यू कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट उन्हीं फील्ड में जाना चाहता हो तो। तो चलिए स्टूडेंट बेसिकली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जिसे आप LLB करने के बाद भी कर सकते हैं। आप LLB करने के बाद किसी वकील या किसी एडवोकेट के अंडर में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, या उनके अंडर में काम भी कर सकते हैं। तो जनरली आपको उनके अंडर में काम कर सकते हैं, तो आपको पेमेंट मिलना लाजमी है। तो जनरली आप LLB के बाद स्टेट बार काउंसिल की जॉब भी कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हैं, सिविल लिटिग्रेशन लॉयर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, लीगल एनालिस्ट, लीगल जनरलिस्ट, एडवोकेट और लॉ रिपोर्टर के तौर पर आप काम कर सकते हैं LLB पास करने के बाद। तो अपॉर्चुनिटी तो लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत है जो LLB पास आउट करता है। तो स्टूडेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट है, वो अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट है जिसे आप LLB के बाद परस्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्कोप तो बहुत है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है LLB पास करने के बाद। तो बेसिकली स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सैलरी के बारे में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो सोचते ही होंगे कि LLB पास आउट करने के बाद शायद हमें जॉब लग गई, तो हमारी सैलरी क्या होगी। तो बेसिकली हम अगर LLB पास करते हैं, तो जनरली आप किसी के अंडर में काम करते हैं, तो बेसिकली आपको पेमेंट जैसे अच्छा अच्छा खासा पेमेंट, जैसे 15,000 से 20,000 के अंदर तो जनरली कमा सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, यानी किसी केस लड़ने के लिए, तो आप बहुत ही अच्छी, उससे ज़्यादा भी सैलरी कमा सकते हैं। सो स्टूडेंट फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे अगर आप LLB करना चाहते हैं, साथ में ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, तो आप ये दोनों भी कर सकते हैं।
ये दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे BA LLB, BCOM LLB, BSc LLB, BBA LLB, ऐसे जो कुछ चुनिंदा कोर्स है जिसे आप ग्रेजुएशन के चलते LLB कर सकते हैं। तो जनरली ये सब जो लिस्ट है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कुछ चुनिंदा कोर्सों की लिस्ट है जिसे आप LLB के चलते साथ में कर सकते हैं। तो जनरली इन इंडिया ये BA LLB ये जो कोर्स है ये बहुत फेमस है, और इससे अच्छी खासी नौकरी भी आप पा सकते हैं BA LLB करके। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्टूडेंट। ओके सो स्टूडेंट, अगर आप LLB का ये कोर्स रेगुलर करते हैं यानी फुल कोर्स करते हैं, तो ही आप बार की एग्ज़ाम के लिए अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो जनरली अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से LLB कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपना बार की एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट नहीं करा सकते। तो ध्यान रखें कि आप अगर डिस्टेंस लर्निंग से अगर LLB कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो उस बार की एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या उस बार की एग्ज़ाम देने के लिए। तो जनरली बार की एग्ज़ाम या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी वकील या जज के अंडर काम कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो स्टूडेंट, बेसिकली आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप LLB पास आउट करने के बाद आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी। अगर चाहे तो आप LLB के बाद कुछ ऐसे कोर्स कर सकते हैं, यानी LLB के बाद हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, जैसे LLM भी कर सकते हैं। तो बेसिकली चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि LLB करने के बाद हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिलेंगी नहीं। तो जनरली मैं बता दूँ कि केसेस तो आते रहते हैं, किसी कोर्ट में केसेस आते ही रहते हैं, ये तो रोज़ाना केस आते ही रहते हैं। तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत होगी। एक आप अपना एक लॉयर बन सकते हैं, यानी लॉयर के केसेस यानी जो क्रिमिनल केस है, फैमिली लॉ के केस है, ये आप एक कोर्ट में लड़ सकते हैं। इतनी एलिजिबिलिटी आप में ज़रूर आ ही जाती है कि आप केस लड़ सके। तो बेसिकली चिंता करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल की बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे।